साइट स्मेल हेयरिंग टच एंड टेस्ट, इस बॉडी का जो जहरी दरवाजे हैं, पांच दरवाजे हैं इस जिस्म के, फाइव सेंसेस है, साइट यानी कि देखना, स्मेल हम क्या सुनते हैं, हेयरिंग हम क्या सुनते हैं, टच हम क्या चीज छूते हैं, और उसके बाद टेस्ट हमारी जबान का जायका। ये अगर फाइव सेंसेस हमारे कंट्रोल में आ जाएं तो फिर हमारी सोल खुद कंट्रोल में आएगी, और जब हमारी सोल कंट्रोल में है तब हमारी जो स्पिरिट खुदा के साथ बातें करना शुरू कर देगी। फाइव सेंसेस के अंदर प्रॉब्लम आती है इंसान के, जब हम खुदावन यीशु को कबूल करते हैं, तोबा करते हैं, हमारा जो रूहानी ताल्लुक है स्पिरिचुअली वो शायद खुदा के साथ होता है, लेकिन सोल एंड स्पिरिट के साथ शायद हमारी जो है वो, जिसको आप क्या कहते हैं, मेल मिलाप या तालमेल नहीं हो रहा होता, और उसमें प्रॉब्लम हो रही होती है, और यहां पर ये प्रॉब्लम है। और ये बॉडी का जो मैं आपको बता रहा हूं, पांच सेंसेस है, देखने का, सुनने का, सूंघने का, टच करने का, और उसके साथ टेस्ट करने का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और मैं पिछले दिनों अपनी कलीसिया में जब खुदावन का कलाम शेयर कर रहा था, मैं उनको कहा जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एकदम एक छोटी सी विंडो साइड से निकल आती है कि वहां पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है वहां पर, और ये लिखा होता है अपडेट्स अवेलेबल। और जैसे ही कोई कंप्यूटर ऑन करता है वो उस अपडेट को क्लिक करता है और जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हम जो बदन के अंदर लोग हैं, हम जैसे ही बाहर निकलते हैं घर से, हमें कोई भी भाई या बहन मिलती है वो कहती है अपडेट्स अवेलेबल। ये आपकी चॉइस है, अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी अपडेट्स कलीसिया में क्या हो रहा है, किसकी बीवी क्या कर रही है, किसका बेटा क्या कर रहा है, उसके घर क्या पकाया, उसके घर क्या नहीं पका, वो उसको तनख्वाह मिली है कि नहीं मिली, वो सारी अपडेट्स हर रोज। ये फाइव सेंसेस के अंदर ये बात आती है, हर रोज जब भी आप निकलते हैं, कहीं बैठते हैं लोग, ये साइड बार निकलता रहता है, ये निकलता रहता है अपडेट्स अवेलेबल, अपडेट्स अवेलेबल, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, दोज हु गॉसिपिंग विद यू दे विल गॉसिप अबाउट यू, जो दूसरों के लिए बातें करते हैं आपके साथ, दूसरों की बातें करते हैं, खुश होते हैं तो फिर तैयार हो वो भी आपके लिए भी बातें करेगा, आप बच नहीं सकते, क्लिक करते रहें अपडेट्स अवेलेबल तो आपके भी आप अपडेट्स जो है वो लोगों तक पहुंचेंगी। ये हेयरिंग के ऊपर है, आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कौन सा प्रोग्राम वॉच करते हैं, रोड पे निकलते हैं तो आपका फोकस कहां पे लग रहा होता है, किसको देख रहे हैं, और क्या मखसूस चीज आपने फोकस की हुई है, क्या सुनते हैं, सुनना मतलब जिस्मानी ये खुशबू खाने पीने की भी, और ये खुशबू मतलब मनफी भी कि आप क्या स्मेल, मुझे कुछ दाल में काले की स्मेल आ रही है, मुझे कुछ देख पत्तेली की स्मेल लग रही है, लोग बड़े अपने आप को होशियार समझ के बातें करते हैं, ये फाइव सेंसेस के अंदर आती हैं। उसके बाद टच, आप किसको छूते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है, जब खुदा के खादिम, खासतौर पर वो खुदा के खादिम जो कहते हैं कि खुदा ने हमें शिफा की नेमत दी है, मैं उनको हमेशा ये कहता हूं आपको खुदा और बरकत दे, हर एक ईमानदार को खुदा ने ये दी है, इसमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, जो यीशु पर ईमान रखता है यीशु के नाम से दुआ करेगा, मौजे ईमानदारों के दरमियान होंगे, किसी खास शख्स के लिए ये दावा और ये बरकत नहीं है, हर एक ईमानदार जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है यीशु अपने नाम को जलाल देने के लिए काम करता है। मैं हमेशा यही कहता हूं कलीसिया में भी, लोगों को भी सिखाता हूं, और खासतौर पर भाइयों को, नौजवान बेटों को, जब आप दुआ करते हैं किसी बहन के लिए, किसी ऑपोजिट सेक्स के लिए, आप दुआ करते हैं, कोशिश करें अगर आपकी बीवी है या आपकी कोई बहन है या कलीसिया की बुजुर्ग है, आप उनको बुलाएं, जब आप उनके जिस्म पर हाथ रखते हैं तो उनको कहें कि वो हाथ रखें और आप उन पर हाथ रखें। यह जरूरी नहीं है कि आप ही का हाथ जाएगा तो ब्लेसिंग्स निकलेंगी, नो, आपके ईमान और आपकी दुआ के वसीले से खुदा काम कर देगा। यह जरूरी नहीं है कि जब तक आपने हाथ नहीं रखा मौजा होना ही नहीं है, नहीं जी, आप ईमान रखें। और ये अक्सर ये टच के सिस्टम के अंदर कई जो लोग हैं वो खुदा के टच से बिल्कुल गायब हो गए, आज नजर ही नहीं आते, फील्ड में बिल्कुल बाहर है, सिर्फ टच के करते हैं, सेंसेस उनकी जागती है, मनफी सेंसेस, और खुदा के
कलाम से और खुदा के खेत से चले जाते हैं। बच्चे, ये आजमाइश हर एक पर पड़ती है, हर एक पर आती है, और हमें बचने की जरूरत है। ये बॉडी, ये जिस्म, आप याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह की बात। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, रूह तो मुस्तैद है, रूह तो मुस्तैद है, मगर ये जिस्म कमजोर है। जिस्म कमजोर है, इसी जिस्म पर हमले होते हैं। और याद रखें, मैं हमेशा अपनी कलीसिया में भी ये बात कहता हूं, अबलीस को एक कमजोरी चाहिए, एक कमजोरी दूसरी कमजोरी को जन्म देती है, एक गुनाह दूसरे गुनाह को जन्म देता है। और अबलीस को जब पता लगता है ये आदमी इस बात में कमजोर है, वहीं उसी जगह से, टारगेट से वो हमला शुरू कर देगा। अपनी कोई जगह कमजोरी अपने दुश्मन पर जाहिर ना करें, खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुपे रहें, क्योंकि वही फाते खुदा है। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, इसका भी हिसाब हमने देना है। ये आउटर सर्कल, क्या टच करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, इसका भी हमें जवाब देना है। कई खुदा के खादिम हैं, मैं उनके लिए ये कलाम कर रहा हूं, अगर वो देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि उनके जिस्म में बहुत सी कमजोरी है, सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। मैं खुदावंद यीशु मसीह में इल्तमास करता हूं कि एक तरफ अगर आप खुदावंद का कलाम सुना रहे हैं, दूसरी तरफ ये करते हैं, छुप के भी करते हैं, मगर एक आसमान पर बैठा हुआ खुदा वो सब देख रहा है। आप चाहते हैं खिदमत करें तो मुकम्मल तौर पर खिदमत करें, सरेंडर करें अपने आप को, क्योंकि इस जिस्म का भी हिसाब देना है। ये ना कहें कि ये मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। मट्टी में तो मिल जाएगा, लेकिन आपको भी मट्टी में मिला देगा। आपने बचना है, ऐसा काम ना करें। ये ना सोचें कि कोई नहीं देख रहा, एक आदमी है जो देख रहा है, और उसी को हमने हिसाब देना है। टेस्ट, कई लोग, खुदा के लोग अजीब अजीब बातें कर जाते हैं टेस्ट में भी, कि ये जी ये कुछ नहीं होता, ये जिस्म की बात है, जिस्म में रह जाएगी। अरे भाई, जिस्म का भी जवाब देना है। रूह जान, पौलुस क्या फरमा रहे हैं कि मैं ये दुआ करता हूं कि रूह जान बदन खुदावंद की आमद तक महफूज रहें। पौलुस रसूल फरमाते हैं, याद रखें क्या कहते हैं, कहते हैं कि तुम नहीं जानते तुम किसका मकदस हो, रूल कुछ का मकदस हो। जो इस मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद कर देगा। ये मकदस क्या है, ये जिस्म है, हम खुदावंद की हैकल है, हम खुदावंद की हैकल है। अब मैं ये बात शेयर की थी, मैंने एक दफा खुदावन ने एक दफा मौका दिया मुझे, कराची कन्वेंशन के अंदर, यूथ कन्वेंशन के अंदर मैं प्रीच कर रहा था खुदावन का कलाम। और जब मैं वहां पर कलाम प्रीच करने के लिए गया, और मुझे बड़ी शर्म आई, और इस बात से शर्म आई, इसलिए नहीं कि मैं कन्वेंशन पे मुझे बुलाया था, इस बात से मुझे शर्म आई कि वो जो नौजवान बच्चे वहां पर बैठे हुए थे, पान की पिचकारियां चर्च के फर्श के ऊपर मौजूद थी, यानी कि पान खा रहे थे और उन्होंने स्पिट किया, और सारे फ्लोर जो थे वो पान के धब्बे। कराची सेंट एंड्रयूज चर्च की बात कर रहा हूं मैं। और वहां पर जब खुदा ने मुझे मौका दिया, और जब मैं वहां पर कलाम सुनाने के लिए गया, और मैंने कहा कि आपने कभी ये देखा है कि किसी चर्च गए हैं और वहां पर जो है दीवारों पर शराब फेंकी हुई है? बच्चे सारे नौजवान बेटे और बेटे कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब, नहीं इस तरह नहीं। आपने कभी इस तरह देखा है कि लोगों ने दीवारों पर पिचकारियां मारी? कहते नहीं, बड़े हैरान हो रहे थे, नहीं। मैंने कहा लेकिन मैंने देखा है। कहते किधर? मैंने कहा अरे भाई, मेरे सामने जो तुम लोग बैठे हो, तुम बाइबल कहती है कि तुम खुदा की हैकल हो, तुम खुदा का घर हो, तुम खुदा की वो इबादत गाह हो जहां खुदा अंदर आके रहता है। अगर तू पान अपने अंदर खाता है, पिचकारी अपने